राहुल गांधी की यात्रा ने बीजेपी की बढ़ा दी टेंशन। स्मृति ईरानी को हो सकता है बड़ा नुकसान। अमेठी में राहुल की यात्रा का जोरदार स्वागत। यात्रा की तैयारियों से लोगों में जोश। यूपी यात्रा के दौरान राहुल जाएंगे अमेठी। स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र में राहुल का बजेगा डंका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मीडिया में भले ही बड़ी कवरेज नहीं मिल रही हो, लेकिन राहुल की यात्रा ने बीजेपी को टेंशन में डाला हुआ है। अब राहुल गांधी की इस यात्रा से स्मृति ईरानी की भी टेंशन बढ़ने वाली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 19 फरवरी को स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंच रही है। यहां रिजर्व पुलिस लाइन अमेठी से यात्रा शुरू होकर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय गौरीगंज पहुंचेगी और फिर बाबूगंज में एक बड़ी जनसभा होगी। अमेठी में इस यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। उत्तर प्रदेश का अमेठी संसदीय क्षेत्र बहुत चर्चा में रहता है। अमेठी में राहुल की यात्रा इसलिए भी खास है कि यहां से इंडिया गठबंधन का कोई मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। कहा यह भी जा रहा है कि यहां से गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर वरुण गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। वरुण गांधी इस समय भाजपा के सांसद हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह स्मृति ईरानी के लिए बहुत बुरी खबर होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में 7 दिनों की यात्रा करेगी। इस दौरान राहुल गांधी 785 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और 13 जिलों में 15 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने की कोशिश में है और बीजेपी 70 से ज्यादा सीटें जीतने का सपना देख रही है। ऐसी स्थिति में 80 सीटों वाले यूपी में राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं।